उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। इस कड़कड़ाती ठंड में ऐसे लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है जिनके पास अपना आशियाना नहीं है। इस ठंड में हमने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। यहाँ हमने देखा कि लोग खुले आसमान के नीचे कंबल ओढ़कर सो रहे थे। ठंड इतनी है कि जानवर भी इंसानों के बीच कंबल में घुसने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। इस बढ़ती हुई ठंड के चलते गाजियाबाद में शनिवार को भी स्कूलों की छुट्टी घोषित है। ये तस्वीरें गाजियाबाद की हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन पर लोग कंबल ओढ़कर सो रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है और इन्हें रैन बसेरों की जानकारी नहीं है, या फिर कुछ ऐसे हैं जो रैन बसेरों में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि रेलवे स्टेशन और आसपास ही उनका रोजगार है। रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं और फिर आसमान के नीचे कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। ठंड इतनी है कि रात भर करवटें बदलते हुए गुजर जाती है। थोड़ी बहुत लकड़ियां मिल जाए तो अलाव ताप लेते हैं। यही नहीं, ठंड ने जानवरों को भी परेशान किया हुआ है। कंबल ओढ़कर सो रहे इन लोगों के बीच देखिए कैसे यह डॉग खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहा है। वह भी कंबल में घुसने की कोशिश कर रहा है, यानी इंसान के अलावा मवेशी भी इस ठंड से परेशान हैं। क्या रात में ऐसे ही यहाँ रहते हो? लकड़ी कोई दे जाता है या नहीं? यहाँ नहीं भाई, नगर निगम वाले कोई लकड़ी वकड़ी नहीं डाल के जाते? कहाँ बैठे हुए इस वक्त तुम? घंटा। अच्छा, क्या करते हो तुम? कहाँ के रहने वाले हो? रोड पे के रहने वाले। नहीं, वैसे कहाँ रहते हो? वैसे अपना घर यही है, बीजे नगर के रहने वाले। अच्छा, तो घर क्यों नहीं जाते? घर पर हमारी माँ खत्म हो गई, बाप ने बिक्री कर रही, क्या ना आता है। अच्छा, तो रैन बसेरे में क्यों नहीं जाते? बाबूजी को वहाँ आधी घाट मांगते हैं। बाबूजी हैं वो, मांगते हैं पैसा पत्र, मांगते हैं पैसे, मांगते हैं पहचान पत्र, पैसा पत्र। तो वो नहीं है तुम्हारे पास? ना हमारे पास नहीं बाबूजी, गरीब आदमी। तुम कहाँ के रहने वाले हो? जिला बलरामपुर। यहाँ क्या करने आए हो? बाबूजी मजदूरी करते हैं बाबूजी। तो पूरी रात यहीं रहोगे बाबूजी? कपड़े पड़े हैं नहीं बाबूजी, ऐसे पड़े रहेंगे बाबूजी, ठंड के मारे ठंड लगती है। फिलहाल स्कूली बच्चों के लिए राहत है। शुक्रवार और शनिवार की छुट्टियां घोषित है। शनिवार को भी स्कूल नहीं खुलेंगे, इसके बाद रविवार होगा। डीएम का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो सोमवार को या उसके आगे भी छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं। देखिए, ठंड पड़ रही है और बच्चों का स्कूल जाना थोड़ा सा कष्टकारक है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित नहीं है। इसलिए निर्णय लिया गया है कि जनपद गाजियाबाद की सभी शिक्षण संस्थाएं कल और परसों 2 दिन बंद रहेंगी और उसके बाद संडे है, कुल मिला के 3 दिन लगातार छुट्टियां हो जाएंगी। तो फिर सोमवार से मौसम अगर बेहतर रहेगा और अगर फोरकास्ट बेहतर रहेगी तो फिर स्कूल खुलेंगे सोमवार से।